देवन झा में मंतोष राजा के जमान हैं और उनके सास ससुर मंतोष राजा सब लोग जे दहेज मांगना शुरू किए हैं। शादी है से शादी में गई थी तो बोले अरे जे दहेज मिला है पैसा कितने मिले, सास ने पूछा बोले सास नहीं 25,000 रुपये हमने लगन में दिए थे, 5,000 टीका दिए थे और बाकी पैसे हमने दिए थे 50,000 रुपये गैस, उसके अलावा ये 2,00,000 रुपये और मांग रहे थे मेरे से और दहेज मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे, फ्रिज मांग रहे थे, जो हमारे पास गुंजाइश थी सर हमने दी। अब ये लोग हमारी लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिए, मारने पीटने के बाद में ये प्रेग्नेंट हुई हमसे मिलने नहीं देते थे। 9 महीने तक इन लोगों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई इलाज नहीं कराया उसका। अभी बीच में मैं एक दिन देखने गई, ज़बरदस्ती नहीं जाने देते थे, घर में नहीं मिलने देते थे कि तुमने पैसे नहीं दिए हो तुम्हारी लड़की को हम नहीं मिल सकती तुम लड़की से। 5 दिन पहले मैं गई थी, ये लोग दवा कराने के लिए कि मैं लड़की को ले जा रही हूँ मैं दवाई कराऊँगी, तो नहीं लाने दिए ये लोग, बोले हम करा लेंगे दवाई। पूरे शरीर में खते खते थे इसके, फुंसी फुंसी थी, 1 रुपये का भी इलाज नहीं कराया इन लोगों ने, वो इन्फेक्शन अंदर फैलने लगा। 5 दिन पहले से खाना नहीं दिए इन लोगों ने, मारपीट भी किया था इन लोगों ने। जब मेडिकल लेके आए तो मेरी लड़की रो रो के बोल रही थी कि मम्मी मुझे भूख लगी, इन लोगों ने खाना नहीं दिया। जो डिलीवरी हुई संतान हुई उसके बारे में कोई जानकारी? संतान के पास बारे में कोई जानकारी नहीं, जैसे संतान हुई है संतान को लेके ये लोग भागे हैं। तो फिर आए ही ये लोग शाम के टाइम, फिर जब लड़की थोड़ी सी सीरियस हुई है तो आईसी रूम में एडमिट किए हैं। आईसी रूम से हमको नहीं पता इन लोगों ने कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ले गए, मेट्रो में हमको कोरे कागज पे साइन करवा रहे थे ये लोग, हमने साइन नहीं किए। करिश्मा की मौत के बाद किसके साथ मारपीट की थी? मेरे साथ मारपीट की थी इन लोगों ने, माँ के साथ। डेड बॉडी कहाँ छोड़ दी थी? डेड बॉडी तो यहाँ छोड़े हैं आज, ये परसों की बात, कल भी मारे थे। डेड बॉडी कहाँ छोड़ी थी, किस जगह? डेड बॉडी शुभम हॉस्पिटल के आगे थोड़ा सा छोड़ के भाग गए। लावारिस हालत में छोड़ गए, लावारिस टाइप में छोड़ के भाग गए लोग। आपको कैसे जानकारी लगी कि इधर डेड बॉडी है गाड़ी में? हमको ले गए रहे, हम रो रहे थे अंदर कमरे में, ये लोग हमको ले गए दूसरे कमरे में बैठा लिए। हमने जानते वो डॉक्टर हैं कि कोई वहाँ के कौन है, वो लोग बैठा के हमको शांत करा रहे थे। जब तक ये लोग डेड बॉडी लेके चले गए, डॉक्टर के होते हुए कैसे लेके चले गए और हमको बिल्कुल पता नहीं। अब यहाँ किस लिए आए हैं गढ़ा थाना, क्या चाहते हैं? रिपोर्ट कराने आए हैं गढ़ा थाने में, गढ़ा वाले रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बोल क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कार्रवाई और FIR दर्ज। क्या मामला है? यहाँ पर लोग आ करके सौरभ के प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वहाँ शुभम हॉस्पिटल जबलपुर जा कर के मरीज करिश्मा रजक के संबंध में जानकारी विवेक गुप्ता से लिया। महिला करिश्मा रजक डिलीवरी केस में उपचार हेतु शुभम हॉस्पिटल जबलपुर में दिनांक 26/11/13 को 11:45 बजे रात भर्ती हुई थी। क्या मौत का कारण क्या है? मृतका की जो है मौत, उसकी डिलीवरी मेडिकल हॉस्पिटल जबलपुर में हुई थी। अत्यधिक रक्तस्राव होने से महिला की स्थिति गंभीर हुई, उसके परिजन उसकी माँ और उसका पति ले जा करके शुभम हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती करवाई। महिला 26/11/13 से 29/11/13 तक जो है भर्ती रही। कुछ मारपीट की भी बात समझ में आ रही है? नहीं, मारपीट की संबंधी कोई बात नहीं है। डिलीवरी जो है बच्ची जीवित है, डिलीवरी में इन्फेक्शन पैदा होने के कारण गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर थी, इलाज दौरान उसकी मृत्यु हुई और अन्य कोई कारण नहीं है। जो शिकायत कर रहे हैं वो शिकायत देंगे? अब वो जो लिखित में देंगे तो अपन संबंधित थाना भेज देंगे। ये मामला जो है रहने वाली रिमझा की है, करिश्मा सिहोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत की रहने वाली है और उसके पति और माँ ये दोनों साथ में ले जाकर के उसको भर्ती कराए शुभम हॉस्पिटल में। वस्ती से वही लोग अवगत हैं, मैं जाकर के लाश को देखा, वहाँ नहीं मिली। डॉक्टर साहब से संपर्क किया, डॉक्टर साहब से लिखित में लिया, उन्होंने लिखा कि ये नॉन मेडिकल केस है। पुलिस एमएलसी के
अधिकारी